फेयर डील ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा मोहरीपुर में संचालित वृद्धा आश्रम के कर्मचारियों और आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों ने बुधवार को मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन देने आए कर्मचारियों का कहना था कि आश्रम के संचालक कर्मचारियों के लिए किए गए निर्धारित वेतनमान को नहीं दिया जा रहा है और वहाँ रहने वाले वृद्धजनों को भोजन भी मानक के हिसाब से नहीं मिल रहा है, जिससे कर्मचारियों और वृद्धजनों में काफ़ी आक्रोश है। इस मौके पर वृद्धाश्रम की सेवाकर्मी वीना पांडे, रीना जायसवाल, कमलेश यादव, राकेश, साबिया बेगम, रमेंद्र कुमार बेबी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वृद्धाश्रम के लेखाकार विजय राज जायसवाल ने कहा, विजय राज जायसवाल वृद्धा आश्रम के लेखाकार हैं। वृद्धा आश्रम मोहरीपुर में है। हम वहाँ के अव्यवस्था और संचालक की मनमानी, स्थानीय प्रबंधक की गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ पर कमिश्नर साहब से अपनी मांग को लेकर आए हैं। अनियमितता इतनी बढ़ गई है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि एक प्याज पे आपको मान्यवर आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर हमारे वृद्धजन एक प्याज भी खाने पर मांगते हैं तो प्रबंधक उसको रोकते हैं। प्रबंधक कहता है, संचालक मना करते हैं, संचालक कहते हैं कि समाज कल्याण विभाग अधिकारी को हम इतना पैसा देते हैं कि हम वृद्धजन को मानक के अनुरूप खाना नहीं दे सकते हैं। हम लोगों की सैलरी केंद्र सरकार द्वारा 15-15 हज़ार रुपये दी जाती है, कह के हम लोगों को नौकरी पर रखा गया। हम लोगों को वेतन 5 हज़ार रुपये दी जा रही है। आज 3 महीने से वेतन हम लोगों को नहीं मिल रहा, हम लोगों के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। कमिश्नर साहब के पास आज हम अपनी आवाज़ लेकर आए हैं, हमको तत्काल न्याय चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे। हम आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम हर हद तक लड़ेंगे। हमारी मांग है कि संचालक एलएन मौर्य की संपत्ति की जाँच हो। इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम मोहरीपुर वृद्धा आश्रम के वृद्धजन हमारे साथ हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, चैन की नींद नहीं सोने देंगे। इनकी CBI जांच, चाहे इनको सजा हो, इनकी संपत्ति कुर्की हो, हमारा सैलरी, हमारे वृद्धजन की सुविधा हमको वापस चाहिए। हम हर हाल में लेके रहेंगे, हम किसी हद तक जाएंगे। हम आप मौके पर हमारे आश्रम में देख सकते हैं कि चिकित्सक कक्ष बना हुआ है, जहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है। रात को 12 बजे तबीयत खराब होता है। दुकानों से हम लोग पैरासीटामॉल लेके अपने पैसे से हम लोग पैरासीटामॉल और गैस की दवा देके इन वृद्धजनों की तबीयत, 3-3 वृद्ध गुजर चुके हैं तबीयत खराब होने के नाते से, इसकी कोई जांच नहीं हुई है। खाली घाट पर ले जाकर फेंक दो, घाट पर ले जाकर फूंक दो। ये काम संचालक द्वारा कराया जाता है। संचालक का कहना है कि घर में उनके सचिवालय में कोई अधिकारी है, वो कहते हैं कि आप कहीं भी शिकायत करोगे तो हमारा कुछ भी नहीं होना है। नीचे से ऊपर तक हम इतनी रकम खिलाते हैं। हमने कहा ये रकम आप कौन सा खिलाते हैं, हमारी सैलरी मारी जाए। हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे वृद्धजन की सेवा करते हैं। 5 हज़ार रुपये वो भी बाकी। अब मांगने पर यह है कि आपको आश्रम से निकाल दिया जाएगा। हमने कहा है कि आश्रम आपका नहीं, आश्रम गवर्नमेंट पैसा देती है। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है इन भ्रष्टाचारियों को जेल हो। कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं सारे इस विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को तलब कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर मेरा लिए हुए हैं। कहें कि सभी लोग आ जाते हैं तो आपको सूचना देता हूँ, सामने एक बैठक होगी, सब तब निर्णय निकालेंगे। कमिश्नर साहब से समर्थन बहुत अच्छा मिला है, हमें कमिश्नर साहब से न्याय की उम्मीद है।